अब सीधे चलेंगे नेपाल के जनकपुर, जहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं तुरंत आ नहीं सका, आने में मुझे काफी विलंब हो गया, और इसलिए पहले तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मन कहता है कि शायद संभवतः सीता मैया जी ने ही आज वचन देने के लिए तय किया। मेरा बहुत समय से मन था कि राजा जनक की राजधानी और जगत जननी सीता की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें नमन करूं। आज जानकी मंदिर में दर्शन कर मेरी बहुत सालों की जो कामना थी उस मनोकामना को पूरी कर एक जीवन में धन्यता अनुभव करता। मेरो यश पटक को नेपाल भ्रमण प्रधानमंत्री को रूपमा यंदा पनी प्रधान तीर्थ यात्री को रूपमा आले। भाइयों और बहनों, भारत और नेपाल दो देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। ये बंधन है राम सीता का, ये बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी, और यही बंधन रामेश्वर में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर के आता है, यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बोधगया ले जाता है, और यही बंधन यही आस्था यही स्नेह आज मुझे जनकपुर खींच करके ले आया है। महाभारत रामायण काल में जनकपुर का, महाभारत काल में विराटनगर का, उसके बाद सिमरौनगढ़ का, बुद्ध काल में लुम्बिनी का, ये संबंध युगों युगों से चलता आ रहा है। भारत नेपाल संबंध किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि उस भाषा से बंधे हुए हैं। ये भाषा है आस्था की, ये भाषा है अपनेपन की, ये भाषा है रोटी की, ये भाषा है बेटी की, ये मां जानकी का धाम है, ये मां जानकी का धाम है, और जिसके बिना अयोध्या अधूरी है। माता भी एक, हमारी आस्था भी एक, हमारी प्रकृति भी एक, हमारी संस्कृति भी एक, हमारा पथ भी एक, और हमारी प्रार्थना भी एक, हमारे परिश्रम की महक भी है और हमारे पराक्रम की गुंज भी है।
हमारी दृष्टि भी समान और हमारी सृष्टि भी समान है, हमारे सुख भी समान और हमारी चुनौतियां भी समान है, हमारी आशा भी समान, हमारी आकांक्षा भी समान है, हमारी चाह भी समान और हमारी राह भी समान। मन, हमारे मनसूबे और हमारी मंजिल एक ही है। ये उन कर्मवीरों की भूमि है जिनके योगदान से भारत की विकास गाथा में और गति आती है। साथ नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है, नेपाल के बिना भारत का विश्वास अधूरा है, इतिहास अधूरा है। नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे। भाइयों और बहनों, आपकी धर्मनिष्ठा सागर से भी गहरी है और आपका स्वाभिमान सागर माथा से भी ऊंचा है। जैसे मिथिला की तुलसी भारत के आंगन में पावनता, शुचिता और मर्यादा की सुगंध फैलाती है, वैसे ही नेपाल से भारत की आत्मीयता इस संपूर्ण क्षेत्र को शांति, सुरक्षा और संस्कार की त्रिवेणी से सींचती है। मिथिला की संस्कृति और साहित्य, मिथिला की लोक कला, मिथिला का स्वागत सम्मान, सब कुछ अद्भुत है। और मैं आज अनुभव कर रहा हूं, आपके प्यार को अनुभव कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद का एहसास हो रहा है। पूरी दुनिया में मिथिला संस्कृति का स्थान बहुत ऊपर है। कवि विद्यापति की रचनाएं आज भी भारत और नेपाल में समान रूप से महत्व रखती है। उनके शब्दों की मिठास आज भी भारत और नेपाल दोनों को साहित्य में घुली हुई है। जनकपुर धाम आकर आप लोगों का अपनापन देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया, सब कुछ अपने जैसा, हर कोई अपनों जैसा, सब कुछ अपनापन। ये सब अपने तो हैं साथियों, नेपाल अध्यात्म और दर्शन का केंद्र रहा। ये वो पवित्र भूमि है जहां लुम्बिनी है, वो लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। साथियों, भूमि कन्या माता सीता उन मानवीय मूल्यों, उन उसूलों और उन परंपराओं की प्रतीक है जो हम दो राष्ट्रों को एक दूसरे से जोड़ती है। जनक की नगरी सीता माता के कारण स्त्री चेतना की गंगोत्री बनी है।
सीता माता यानी त्याग, तपस्या, समर्पण और संघर्ष की मूर्ति। काठमांडू से कन्याकुमारी तक हम सभी सीता माता की परंपरा के वाहक है। जहां तक उनकी महिमा की बात है तो उनके आराधक तो सारी दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये वो धरती है जिसने दिखाया कि बेटी को किस प्रकार सम्मान दिया जाता है। बेटियों के सम्मान की ऐसी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथियों, नारी शक्ति की हमारे इतिहास और परंपराओं को संजोने भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही। अब जैसे यहां की मिथिला पेंटिंग को अगर उसको देखें तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान हमारी माताओं, बहनों का, महिलाओं का रहा है। और मिथिला की यही कला आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस कला में भी हमें प्रकृति की, पर्यावरण की चेतना हर पल नजर आती है। आज महिला सशक्तिकरण और जलवायु परिवर्तन की चर्चा के बीच मिथिला का दुनिया को यह बहुत बड़ा संदेश है। राजा जनक के दरबार में गार्गी जैसी विदुषी और अस्तावक्र जैसे विद्वान का होना यह भी साबित करता है कि शासन के साथ साथ विद्वता और अध्यात्म को कितना महत्व दिया जाता था। राजा जनक के दरबार में लोक कल्याणकारी नीतियों पर विद्वानों के बीच बहस होती थी। राजा जनक स्वयं उस बहस में सहभागी होते थे और उस मंथन से जो नतीजा निकलता था उसको प्रजा के हित में, जनता के हित में और देश के हित में वे लागू करते थे। राजा जनक के लिए उनकी प्रजा ही सब कुछ। उन्हें अपने परिवार के रिश्ते नाते किसी से कोई मतलब नहीं था।